सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोलॉजी वीडियो नेटवर्क और सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए दबाइए बेल आइकन। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सभी जानकारी, जानकारी वही जो है आपके लिए सही। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस परिवार में, इस चैनल में जो कि है टेक्नोलॉजी वीडियो नेटवर्क। तो आज मैं आपको Xiaomi का जो MIA1 यानी एंड्रॉइड 1 मोबाइल आया है उसके बारे में मैं आपको उसका वर्चुअल अनबॉक्सिंग करूंगा। वर्चुअल अनबॉक्सिंग क्या होती है आप देखते रहिए। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण चौहान और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी वीडियो नेटवर्क। तो सबसे पहले ये देखिए, इसका ये है बॉक्स का, ये देखिए ऊपर का किस तरह से उसमें डिजाइन बना रखी है और इसमें लिखा हुआ है एंड्रॉइड 1। अब ये बॉक्स का हम इसका नीचे वाला हिस्सा जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि ये मेड इन इंडिया है, इसका जो टॉप वाला हिस्सा ये है। और अगर इसको हम अनबॉक्स करते हैं वर्चुअली तो देखिए ये इस तरह से ओपन हो जाता है। थोड़ा सा और मोबाइल निकाल के ओपन करते हैं तो ये इस तरह से दिखेगा। फिर अगर हम इसके अंदर की चीजें निकालते हैं, जैसे इसके अंदर तो जो सिम इजेक्टर पिन है वो तो लगी हुई है, साथ साथ में आपको मिलता है एक चार्जर और एक डाटा केबल या चार्जिंग केबल बोलेंगे, और बाकी दूसरी मैनुअल चीज मिलती है। लेकिन इसमें फिर उन्होंने ना हेडफोन दिया है और ना ही हमको कोई इसका प्रोटेक्टर दिया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अब इसकी फुल स्पेसिफिकेशन और इसके फीचर के बारे में बात करते हैं। हम सीधे उसकी साइड से उसकी सारी चीजें उठाएंगे ताकि ये चीज ना रहे कि ये गलत है, ये दूसरी चीज हम बोल रहे हैं। ये देखिए, ये है MI का A1 जिसमें इन्होंने पिक्चर परफेक्ट ड्यूअल कैमरा दे रखा है। ये इनकी खासियत इन्होंने बताई है और दिया है, और ये 14,999 मिल रहा है। 12 सितंबर 2017 को ले सकते हैं फ्लिपकार्ट से, 12 बजे से इसकी सेल शुरू हो जाएगी और MI होम पर भी मिलेगा। और ये रहे कुछ MI के ऑफलाइन रिटेलर्स। तो इन्होंने फ्लैगशिप ड्यूअल कैमरा दे रखा है 12 मेगापिक्सल का, दोनों ये रेयर कैमरा है और जिसमें 2x ऑप्टिकल जूम होता है। इसके और फीचर हम देखते हैं। इसमें इन्होंने दे रखा है कि जो इसकी जो पकड़ है वो काफी अच्छी है, काफी आपके हाथ के अनुसार बनाई गई है। और इसका जो डिस्प्ले है वो फुल HD 5.5 का है और ये पावरफुल भी बता रहे हैं कि काफी पावरफुल है। इसमें स्नैपड्रैगन की जो चिपसेट डली हुई है और 4GB की रैम है, 64GB की इसकी रोम है यानी उसकी जो मेमोरी कैपेसिटी है, और इसकी बैटरी भी 3000 के ऊपर ही है। और इसके बाद इन्होंने इसके फीचर के बारे में देखिए कुछ चीजें बताई है। तो ये सारी इसकी चीजें हैं, हम इनको सारे स्पेसिफिकेशन में देखेंगे। तो अब इसका हम देखते हैं फुल स्पेसिफिकेशन। तो देखिए दोस्तों, इसका फुल स्पेसिफिकेशन में सबसे पहले मैं बताता हूं आपको, 5.5 की फुल HD डिस्प्ले मिलेगी जिसमें आपको कोई गोरिल्ला प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। और वो इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये उतना टफ है जरूर लेकिन गोरिल्ला ग्लास नहीं है। ये साफ तौर पर देखिए उनकी साइट में लिखा हुआ है। अगर कोई आपको बोलता है कि इसमें गोरिल्ला ग्लास दे रखा है तो वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि जब ये खुद ही बोल रहे हैं कि ये उतना ही टफ है लेकिन गोरिल्ला ग्लास नहीं है तो नहीं है। इसके बाद इन्होंने दे रखा है कि 2x ऑप्टिकल जूम के डुअल कैमरा सेटअप दे रखा है इनमें, दोनों 12 मेगापिक्सल के। हम आगे देखते हैं, फुल मेटल बॉडी, 4GB रैम, हाई स्पीड रैम। हम इसके आगे जाके अब इसकी फुल स्पेसिफिकेशन देखेंगे। तो इसमें ऑक्टा 4 स्नैपड्रैगन 625 दे रखा है और जिसकी 2GHz की इसकी क्लॉक स्पीड है। 14nm फिनफिट का इसका बना रखा है और ये पावर एफिशिएंस होता है ये ऐसा बता रखते हैं, क्योंकि 14nm फिनफिट का मतलब ये होता है कि इसकी जो इंटरनल प्रोसेस होती है वो काफी फास्ट हो जाती है, काफी नजदीक का मामला होता है तो फास्ट हो जाती है। और इसकी जो ग्राफिक प्रोसेसर दे रखा है वो एड्रिनो 506 का है, और ये कॉम्बिनेशन प्रोसेसर और कॉम्बिनेशन देखिए अभी क्या रंग लाता है, क्योंकि ये 625 काफी अच्छी स्नैपड्रैगन की चिपसेट है। और हम आगे देखते हैं मेमोरी में, तो इसकी मेमोरी जो है वो 4GB रैम दे रखी है इसने, और इसकी जो इंटरनल स्टोरेज दे रखी है वो 64GB की दे रखी है जो फिक्स्ड है, कोई इसमें वेरिएंट नहीं है। तो ये 4GB और 64GB का इसका अपना वेरिएंट है, आप इसको 128 तक इसके एक्सपांड कर सकते हैं। इसमें जो अब आगे दे रखा है इसके डायमेंशन से हम आगे बढ़ जाते हैं। अब इसमें देखिए जो कैमरा का खासियत इन्होंने बता रखी है, ड्यूअल कैमरा बता रखा है। तो ड्यूअल कैमरा में सबसे पहले जो है वो वाइड एंगल लेंस है। वाइड एंगल लेंस में ये होता है कि आप थोड़ा नजदीक के जो फोटो वो शूट कर सकते हैं उसको वाइड एंगल लेंस बोलते हैं। और ये 12 मेगापिक्सल का 1.25 μ का दे रखा है, और इसकी जो 26mm का ये इसका जो फोकल लेंथ है इसकी टोटल,
और ये 5-पीस लेंस जो आजकल सभी बना रहे हैं, और ये 2-टोन इसकी एलईडी फ्लैश लाइट दे रखी है। जो दूसरा जो इसका कैमरा है वो है टेलीफोटो लेंस। टेलीफोटो लेंस दोस्तों ये होता है कि जब हम दूर की चीजें जब शूट करते हैं तो उसके लिए हमें एक लेंस की जरूरत होती है जिसे हम टेलीफोटो लेंस बोलते हैं। और ये टेलीफोटो लेंस आपने देखा होगा जब कभी स्पोर्ट्स के आपने प्रोग्राम देखा होगा तो उसमें बड़े बड़े लेंस लेके बैठे रहते हैं, या फिर वाइल्ड उसमें देखा होगा तो उसमें बड़े बड़े लेंस, उसको टेलीफोटो लेंस बोलते हैं। ये भी 12 मेगापिक्सल का है। इसकी जो फोकल लेंथ दे रखी है वो इक्विवेलेंट है 50 mm के, तो 50 मिलीमीटर यानी ये जो इसकी स्टार्टिंग होता है टेलीफोटो लेंस से, तो ये 50 काफी अच्छा है। और ये इसका जो 2x ऑप्टिकल जूम दे रखा है, और 2x ऑप्टिकल जूम का मतलब ये होता है कि जब हम कोई चीज जूम करते हैं तो विदाउट एनी पिक्सेलेशन मतलब वो पिक्सल फट जाती है और पिक्चर हमें खराब दिखती है, तो वो इसमें पिक्सेलेशन नहीं होता है। और जितना जैसा दिखता है वैसे ही हम जब उससे 2 गुना और जूम करेंगे तो ठीक वैसा ही दिखेगा, उसमें कोई खराबी नहीं आएगी। तो 2x जूम ऑप्टिकल जूम का मतलब ये होता है। जो फ्रंट कैमरा दे रखा है वो 5 मेगापिक्सल का दे रखा है, जिसमें ब्यूटी और सेल्फी का दूसरी सारी चीज दे रखी है। वीडियो 4K तक इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसमें फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस दे रखा है। लो लाइट की इन्होंने फोटोग्राफी की इन्होंने बोल रखा है कि आप कर सकते हैं HDR बाकी सारी चीजें। आगे बढ़ते हैं हम। इसकी जो बैटरी है वो यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि अभी इन्होंने जो चीज Redmi Note 4 निकाला उसकी 4000 की दी है, लेकिन इसमें 3080 mAh की दे रखी है। तो 3080 mAh का इन्होंने क्यों दे रखा है पता नहीं है, इसको थोड़ा इनको 4000 और उससे आगे ही बढ़ना था, पीछे पता नहीं क्यों आ रहा है। और इसमें रिवर्सेबल USB टाइप सी है, तो रिवर्सेबल का मतलब तो ये ही होता है कि आप इससे USB लगाकर किसी दूसरे को भी चार्ज कर सकते हैं, लेकिन देखना पड़ेगा कि ये किस तरह से कितना चार्ज कर पाता है, क्योंकि इसकी बैटरी खुद ही कम है। इसका 5 वोल्ट का और 2 एम्पियर का इसके चार्जिंग कैपेसिटी है इसके चार्जर की। और इसका जो डिस्प्ले है वो 5.5 का फुल HD डिस्प्ले है। LTPS जो इन्होंने बोल रखा है, LTPS इसमें बोल रखा है कि भाई ये उतना ही टफ है जितना कि कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास, लेकिन गोरिल्ला ग्लास में नहीं है। और जो इसकी 450 निट की जो इसकी ब्राइटनेस है, ब्राइटनेस मतलब उसकी जो इंटेंसिटी होती है उससे नापा जाता है, तो काफी अच्छी होती है 450 की। और जैसे कि बताया था फुल HD का ये है, तो फुल HD का है। और 403 PPI इसकी पिक्सल पर इंच है। इसकी जो कनेक्टिविटी दे रखी है, जैसे अभी सब पता नहीं क्या हाइब्रिड का एक सीजन सा चल रहा है या फिर कुछ एक एरा चल रहा है हाइब्रिड का, सभी लोग हाइब्रिड सिम स्लॉट दे रहे हैं। ये भी हाइब्रिड सिम स्लॉट है, नैनो और माइक्रो लगेगी। और अगर आपको सिम कार्ड लगाना है तो सिम कार्ड लगाइए, अदरवाइज आप मेमोरी कार्ड यहाँ पर लगा के 128 तक इसको एक्सपांड कर सकते हैं। इसके जो बटन्स दे रखे हैं वो इस तरह से हैं। और इसके जो सेंसर हैं, ये सारे जो सेंसर हैं ये अब स्टैंडर्ड सेंसर बन चुके हैं MI की तरफ से। इन्फ्रारेड, IR ब्लास्टर, एम्बियन, जायरोस्कोप, हॉल सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, फिंगरप्रिंट सेंसर एंड प्रॉक्सिमिटी सेंसर। काफी अच्छी सेंसर की क्वांटिटी और क्वालिटी है। और जो मल्टीमीडिया है उससे भी हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इन्होंने आपको पैकेज में क्या क्या मिलेगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया था इसका जो वर्चुअल अनबॉक्सिंग बताया था कि आपको हैंडसेट मिलेगा, चार्जिंग केबल मिलेगी, चार्जर मिलेगा, एक सिम इजेक्टर पिन मिलेगी और मैनुअल्स मिलेंगे जो भी उसकी चीजें होती है। साथ में इन्होंने और कुछ भी नहीं दे रखा, जो कि Xiaomi बहुत गलत कर रहा है। इनको कम से कम हेडसेट देना चाहिए या फिर इनको कम से कम एक उसका प्रोटेक्शन के लिए कुछ देना चाहिए। इन्होंने जो लिखा हुआ है कि गोरिल्ला ग्लास जैसा है, लेकिन आप देखते हैं कितना टफ होता है। तो दोस्तों ये था Xiaomi की तरफ से MIA1। तो इन्होंने MIA1 जो निकाला है उसका जो एंड्रॉयड की तरफ से इन्होंने पावर कर रखा है, तो ये एंड्रॉयड की तरफ से इनको हर चीज इसकी लेटेस्ट मिलेगी। जैसे कि लेटेस्ट अभी इसका वर्जन चल रहा है अभी जो दे रहे हैं MIA1 में, ये 7.1.1 नुगट का। और इसके बाद ये बोलते हैं कि जल्दी से इसकी जो फटाफट हम इसको आपको ओरियो भी आपको दे देंगे। ओरियो का मतलब कि इसका जो एंड्रॉयड 8 आ रहा है ओरियो, वो भी दे देंगे जल्दी से। और बाकी सारे इनको सिक्योरिटी फीचर और दूसरी चीजें भी गूगल असिस्टेंट और ये सारी गूगल के थ्रू इनको मिलती रहेगी और लेटेस्ट सारी मिलेगी। तो ये एंड्रॉयड 1 इसलिए कहा गया है कि ये गूगल की तरफ से पावर्ड बाय गूगल है, और ये गूगल का स्टॉक एंड्रॉयड मोबाइल आपको इसमें सारी चीजें स्टॉक एंड्रॉयड दिखेगी। स्टॉक एंड्रॉयड का मतलब ये होता है कि जो गूगल की तरफ से रिलीज किया गया है ठीक वैसे की ही आपको देखने को मिलेगा। इसमें इसकी MIUI कुछ नहीं है, कस्टमाइज इन्होंने नहीं कर रखा है, तो आपको पूरा स्टॉक एंड्रॉयड का एक मजा आप ले सकते हैं इसमें। और जिस तरह से पिक्सल गूगल का पिक्सल और वो होता है नेक्सस होता है, वैसे ही आएगा आपको मजा। तो दोस्तों A1 यानी एंड्रॉयड 1, इसके बारे में मैं सिर्फ यही कहूंगा कि इसकी बैटरी बहुत कम इन्होंने दे रखी है, बाकी जो दूसरी चीजें देते नहीं है वो इसमें भी नहीं दे रखा है।
अब देखने वाली बात यह होगी कि ये प्रोसेसर तो काफी अच्छा दे रखा है, रैम भी ठीक है और इन्होंने चार्ज का जो रिवर्सिबल भी कर रखा है, बाकी सारी चीज के सेंसर भी अच्छे हैं। तो दोस्तों ये भी Redmi Note 4 उसके जैसे ही लगभग है, लेकिन उससे बैटरी भी कम है। तो हमें देखना होगा कि ये किस तरह से परफॉर्म करता है और कितने लोगों को पसंद आता है, क्योंकि Redmi Note 4 लगभग 13,000 का है और ये लगभग 15,000 का है। तो हमें ये देखना होगा कि कितने लोगों को पसंद आता है, क्योंकि जो Redmi या MI Xiaomi के जो लवर हैं, फैन हैं, वो इसे जरूर खरीदना चाहेंगे, क्योंकि इसमें ड्यूअल कैमरा सेटअप दे रखा है। तो हमें ये देखना है कि अब इसको कितने इसके लवर इसको मिल पाते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बहुत अच्छी फैमिली बन रही है दोस्तों। जो आप पहले सब्सक्राइब हो चुके हैं उनसे पूछिए, बहुत ही अच्छी फैमिली बन रही है। तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और जैसे कि मैं कहता ही हूँ कि जानकारी वही जो आपके लिए सही, तो आपके लिए जो सही जानकारी मैं वही लाता हूँ। अगर आपको इसी तरह से मेरे आगे वीडियो देखने हैं तो प्लीज़ इंतज़ार कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मैं आपसे विदा लेता हूँ। चाइना आउट। जय हिंद।